40,000 किलोमीटर्स और जीएस के सारे पॉइंट्स शायद खत्म हो गए इतनी जल्दी। लद्दाख के टेरेन्स में व्हेन वी डिड उमलिंगला टू मनाली इन वन डे मैंने सिर्फ 3 ब्रेक्स लिए थे। दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज प्रतीक हियर। आई एम इन विलास राइट नाउ। यहाँ पे हम लोग आए थे टर्टल फेस्टिवल के लिए, तो वो व्लॉग यू गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट। ऑल ऑफ यू हु आर माय सब्सक्राइबर्स दे नो आई ओन अ जीएस। आई हैव रिडन इट फॉर 40,000 किलोमीटर्स टू गेट टू उमलिंगला, लद्दाख, बैंगलोर, लखनऊ, वो सारी राइड्स मैंने की हुई है। एंड नाउ दैट आई एम कोंकण विद नीतीश, तो ये है नीतीश की KTM 390 एडवेंचर एंड हियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू राइड दिस बाइक फॉर 150 किलोमीटर्स एंड शेयर माई व्यूज अबाउट KTM 390 एडवेंचर आफ्टर राइडिंग GS फॉर 40,000 किलोमीटर्स। विल गो फ्रॉम हियर टू पुणे एंड देन ऑन द वे आई विल राइड दिस बाइक एंड वहां पर जाके आई विल टेल यू व्हाट आई फील अबाउट 390 एडवेंचर। लेट्स बिगिन। तो वेलास से KTM 390 एडवेंचर चला के हम लोग पहुंचे थे पुणे एंड देन पुणे से मैं इसको फिर से 70-80 किलोमीटर और चला के आ गया हूँ अभी लोहागढ़ फोर्ट के पास में। तो ये अब मैंने बाइक चला ली है ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर एंड नाउ आई थिंक आई कैन शेयर माई रिव्यू अबाउट वेयर KTM 390 एडवेंचर स्कोर्स मोर ओवर GS एंड किन जगहों पर GS इज स्टिल बेटर। ओके, सबसे पहली चीज अगर मैं बताऊँ तो जैसे ही मैं KTM 390 एडवेंचर पर बैठा तो पहली चीज जो कि नोन फैक्ट है कि KTM 390 एडवेंचर की सीट हाइट है 855 mm, मेरी हाइट है 5'8" एंड मेरे पैर अगर अभी आप देख रहे हो तो पूरे ऑब्वियसली 390 एडवेंचर पर नहीं पहुंच रहे हैं। एंड अगर मैं GS की बात करूं तो GS की हाइट है 835 mm एंड GS इवन कम्स विद अ लोअर सीट ऑप्शन ऑफ 815 mm, तो वहां पे GS इज मोर एक्सेसिबल टू द ग्राउंड। आई एम श्योर बहुत सारे लोग अभी कमेंट्स में बोलेंगे कि इट्स नॉट द सीट हाइट, द राइडर स्किल्स मैटर्स। बहुत सारे लोग हैं जो 5-6 हाइट के चला रहे हैं 390 एडवेंचर। I completely agree to that point, but then make sure if you are buying KTM 390 Adventure, then get those right skills. क्योंकि लोग सीधे बाइक लेते हैं उसके बाद फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको हर चीज, हर स्किल अपने आप आ जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। If you acquire the right skills, then I guarantee you कि हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। But until then, seat height is an important criteria, क्योंकि जब आप ऑफ रोड्स में होते हो तो उस टाइम पे अगर आप कहीं पर भी फंस गए तो यू आर डिपेंडेंट ऑन योर को राइडर या फिर आसपास के लोगों पे आप डिपेंडेंट हो जाते हो अगर आपके पैर अच्छे से नहीं पहुंच रहे हैं तो। हाउएवर GS में अगर आपके पैर पहुंच रहे हैं तो आपको ऑफ रोड में बाइक बैक करनी है या फिर सिटी में आप ट्रैफिक में सिग्नल पर हो वहां पर आपको कभी बाइक थोड़ी बहुत पुश करनी है या पैर पहुंचाने हैं बाइक टिकाने के लिए, तो वो सब जगहों पे सीट हाइट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट द लॉन्ग राइड कंफर्ट, तो अब मैंने ये बाइक चला ली है 250 किलोमीटर प्लस ऑन द हाईवे, तो नाउ आई कैन टॉक अबाउट द राइड कंफर्ट KTM 390 एडवेंचर हैज टू ऑफर। एंड GS का मैं बता दूं कि GS इज वे मोर कंफर्टेबल देन दिस। लॉन्ग राइड्स पे मैंने बहुत ज्यादा चलाई है GS। आई डिड बैंगलोर टू लखनऊ ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर्स इन 2 days। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव डन मल्टीपल 1000 किलोमीटर्स राइड ऑन GS विद पिलियन, जो कि इस टाइम पे ये वीडियो शूट कर रही है। एंड आई कैन टेल यू, वी बोथ कैन टेल यू इन फैक्ट कि GS इज वेरी वेरी कंफर्टेबल। KTM 390 एडवेंचर का जो सस्पेंशन सेटअप है वो थोड़ा सा हार्ड है एंड दैट इज एक्चुअली फॉर ऑफ रोड। तो GS में आपको हाईवे राइड पर जो कंफर्ट मिलता है और थोड़ी बहुत जो ब्रोकन रोड्स पर कंफर्ट मिलता है बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्ट सस्पेंशन, मेरे ख्याल से 5 lakhs के अंदर किसी भी बाइक में वो कंफर्ट नहीं है दैट GS हैज टू ऑफर ऑन लॉन्ग राइड्स। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट द सीट, तो सीट लेंथ काफी ज्यादा है, अच्छी खासी स्पेस है आपके बैठने के लिए, पिलियन के बैठने के लिए सब कुछ सही है, पर सीट हार्ड है। आज जब मैं इस बाइक को सिर्फ 70 किलोमीटर चला के आया हूँ पुणे से लोहागढ़ फोर्ट, उसमें ही मेरे को 1.5 घंटे के बाद लगातार ऐसा लग रहा था कि आई नीड अ ब्रेक बिकॉज द सीट इज हार्ड एंड सीट हाइट इतनी ज्यादा है 835 mm कि मेरी हाइट पे एटलीस्ट मेरे को भी ऑप्शन नहीं है कि मैं इसमें जेल सीट या एयर कुशन सीट्स लगा सकूं। इन कंपैरिजन GS की जो सीट है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, फिर ऊपर से सीट हाइट भी कम है, तो दैट एड्स मोर कंफर्ट टू लॉन्ग राइड्स। क्योंकि आप लॉन्ग राइड्स पे जब जा रहे होते हो तो मैं GS को 3-3.5 hours तक लगातार चलाता था विदाउट एनी इशू। एंड इनफैक्ट मैंने लद्दाख के टेरेन्स में व्हेन वी डिड उमलिंगला टू मनाली इन वन डे मैंने सिर्फ 3 ब्रेक्स लिए थे, तो लद्दाख की टेरेन्स में 480 किलोमीटर्स की राइड इन 3 ब्रेक्स दैट इज पॉसिबल ओनली ऑन GS। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी गो ऑफ रोड्स दैट इज लो एंड टॉर्क। तो KTM 390 एडवेंचर हैज मोर पावर बट लेस लो एंड टॉर्क एंड GS हैज लेस पावर बट मोर लो एंड टॉर्क। तो लो एंड टॉर्क कम्स इन हैंडी ऑन दोज ऑफ रोड्स, जब आप स्टीप क्लाइम्स पे या फिर ऑफ रोड्स में जा रहे हो थोड़ी कम स्पीड्स में, यू डोंट नीड टू डाउन शिफ्ट दैट ऑफ इन। अगर आप KTM 390 एडवेंचर पे जा रहे हो तो आप या तो थोड़ी ज़्यादा स्पीड में जाओ
so that the bike is in perfect torque range or otherwise you have to definitely downshift to first gear. However, GS पे मेरे को उतना frequently second से first gear में shift नहीं करना पड़ता है क्योंकि मैं off road में wife के साथ में ride कर रहा होता हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा speeds में या saddling नहीं करनी होती है, मैं comfortable ride चाहता हूँ. And on those rides, GS in the speeds of 15 to 30 on broken roads and off road conditions, I don't need to downshift. 40,000 किलोमीटर्स और GS के सारे पॉइंट्स शायद खत्म हो गए इतनी जल्दी. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट KTM 390 एडवेंचर, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं जहां पर 390 एडवेंचर डेफिनेटली स्कोर्स ओवर GS. तो फर्स्ट चीज अगर मैं बात करूं, KTM 390 एडवेंचर हैज मोर पावर एंड विद मोर पावर कम्स मोर स्पीड. तो ज्यादा स्पीड्स पे आप हाईवे पर जा सकते हो, जहां पे मुझे बहुत बार लगता है कि GS लैग करती है. जब मैं बैंगलोर लखनऊ कर रहा था, दैट वाज कोविड टाइम, तो सिटीज और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था, हाईवेज भी ऑलमोस्ट खाली पड़े हुए थे. एंड उस टाइम पे मुझे काफी बार ऐसा लग रहा था कि जब मैं 120-130 की स्पीड पर जा रहा था कि नहीं यार, थोड़ी सी पावर या स्पीड और होनी चाहिए थी. एंड KTM 390 एडवेंचर पे इफ द रोड इज एम्प्टी, जैसे कि मैं लखनऊ दिल्ली बहुत बार करता हूँ, अगर आप यमुना एक्सप्रेस वे पर राइड कर रहे हो या फिर किसी ऐसे हाईवे पर राइड कर रहे हो जो 8 लेन एक्सप्रेस वे बना हुआ है, वहां पे KTM 390 एडवेंचर को आप बहुत आराम से 140 टू 150 155 60 की रेंज तक चला सकते हो. तो लॉन्ग राइड्स पे अगर मैं क्रूज स्पीड की बात करूं, तो GS पे विद पिलियन माय कंफर्टेबल क्रूज स्पीड इज 100 to 120, एंड उसके बाद भी उस पे इनफ पावर होती है, इनफ रूम होता है कि अगर कोई व्हीकल आपसे तेज जा रहा है तो आप उसको आराम से ओवरटेक कर पाओ. सो आई कैन इजिली गो टिल 135-140, ओकेजनली 145 एज वेल. आई हैव टच्ड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 153 ऑन GS. पर KTM 390 एडवेंचर पे कंफर्टेबल क्रूज स्पीड की अगर मैं बात करूं, तो आप 120 टू 140 की रेंज में आराम से, अगर खाली रोड है तो 120 टू 140 की रेंज में आराम से कंफर्टेबली क्रूज कर सकते हो. एंड टॉप स्पीड की बात करूं, तो लोग 150-160 प्लस आराम से गए हुए हैं KTM 390 एडवेंचर पे. सो अगर मैं सैडलिंग पोजीशन की बात करूं, तो दिस इज द राइट पोस्चर टू सैडल ऑन द बाइक. एंड अगर मैं 390 एडवेंचर पे सैडलिंग कर रही है मुझे, तो टैंक मेरे बिल्कुल नीज के पास में है मेरी हाइट पे, थोड़ा सा हैंडल बार, शायद हैंडल बार रेजर डालूंगा मैं, तो मेरे को सैडलिंग पोजीशन बहुत कंफर्टेबल लग रही है. हाउएवर GS पे अगर मैं बात करूं, तो GS का टैंक थोड़ा सा ज्यादा ह्यूज है एंड सीट थोड़ी सी पीछे है, तो मेरे को उतना ज्यादा सैडल इंस्पायरिंग GS नहीं लगती है. KTM 390 एडवेंचर इज मोर सैडल फ्रेंडली. नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट द सस्पेंशन, तो सस्पेंशन में प्ले बहुत कम है. दिस इज स्टिफ सस्पेंशन, बिट ऑन द हार्डर साइड. एक्चुअली KTM 390 बनी है हार्डकोर ऑफ रोड के लिए, तो इसीलिए अगर आप KTM 390 एडवेंचर को हार्डकोर ऑफ रोड्स पर लेके जाते हो, तो आप अच्छी खासी स्पीड्स में गड्ढों से और किसी भी ऑफ रोड ट्रेल पे स्पीड में जाते रहते हो, सस्पेंशन का आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो GS पे जब आप जा रहे होते हो, तो सस्पेंशन सेटअप सॉफ्ट है एंड इसकी वजह से काफी बार फ्रंट सस्पेंशन भी टॉप आउट करता है, जैसा मेरे साथ लद्दाख की राइड पे इस बार हो रहा था, दो इट इज आफ्टर 30,000 किलोमीटर्स, पर कभी काफी बार वो टॉप आउट करता है एंड आपको थोड़ा सा डर लगा रहता है कि कहीं पीछे वाला सस्पेंशन बॉटम आउट नहीं करे. दो वैसा बॉटम आउट अब तक नहीं किया है, पर फिर भी ऑन द हार्डकोर ऑफ रोड्स जब आप बाइक को जंप कर रहे हो, तो वहां पे यू विल एंजॉय KTM 390 एडवेंचर मोर देन GS. नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट द स्टीप क्लाइम्स ऑन द ऑफ रोड्स, जो कि रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बार होता है. जब आप लद्दाख स्पीति वर्गी राइड कर रहे होते हो, बहुत बार रोड खराब होती है और पहाड़ से चल रहा होता है या रास्ता से चल रहा होता है, वहां पे आपके पास लगेज भी लोडेड होता है, टैंक बैग भी होता है, कभी कभी पिलियन भी होती है कुछ लोगों के साथ में, मेरे साथ हमेशा. वहां पे मुझे कभी कभी लगता है कि GS lacks in power. तो sometimes I find GS struggling over there, या फिर इंजन थोड़ा सा उसका स्ट्रेस्ड आउट लगता है. वो 390 एडवेंचर में नहीं होगा बिकॉज ऑफ द पावर दैट द बाइक हैज, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है. तो आप कंफर्टेबली लोडेड बाइक पर भी स्टीप क्लाइम्स पे KTM 390 एडवेंचर को लेके बहुत आराम से चले जाओगे. एक चीज जो मुझे GS में काफी बार लगता है कि टैंक की डिजाइन इतनी बड़ी दी हुई है, टैंक की कैपेसिटी भी थोड़ी सी अगर बढ़ा दी होती तो बहुत अच्छा रहता. वो चीज एक्चुअली 390 एडवेंचर में है, टैंक की डिजाइन छोटी है एंड द टैंक इज 14.5 लीटर्स, GS का टैंक है 11 लीटर्स. तो जब मैं हाई स्पीड्स में जा रहा हूँ हाईवे पे, तो GS भी 20-22 का ही माइलेज देती है एंड मेरे को रेंज मिलती है उसमें हार्डली 220 किलोमीटर्स की. एंड KTM 390 एडवेंचर भी हाई स्पीड्स पे उतना ही माइलेज देती है, 20-22 का, बट हैविंग अ 14.5 लीटर्स टैंक, वर्स्ट केस सिनेरियो में भी KTM 390 की रेंज 260-300 किलोमीटर्स की होती है. एंड जब बाइक अच्छा माइलेज दे रही हो, उस टाइम 390 एडवेंचर पे यू कैन एक्सपेक्ट अ टैंक रेंज ऑफ 350 किलोमीटर्स प्लस. पर मेरे को GS पे जो मैक्सिमम टैंक रेंज मिलती है, दैट इज 270-280 किलोमीटर्स, तो 25-28 माइलेज. पर अगर मैं सिक्स्थ गियर में 80-90-100 की स्पीड में जा रहा हूँ GS पे, तो मैक्सिमम टैंक रेंज दैट आई हैव गॉट इज 320 किलोमीटर्स. अगर उसी स्पीड्स में मैं KTM 390 एडवेंचर पर जाऊंगा, तो आई एम श्योर आई कैन गेट अ फ्यूल टैंक रेंज ऑफ 400 किलोमीटर्स कंफर्टेबली. नेक्स्ट चीज GS के बारे में, सब लोगों को जो पता है कि GS की मेंटेनेंस काफी ज्यादा है, स्पेयर पार्ट्स या सर्विस सेंटर्स बहुत कम है.
KTM 390 एडवेंचर्स की स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि शोरूम्स बहुत ज़्यादा हैं एंड सर्विस चीप है। दो इंटरवल GS का जो है वो है 10,000 किलोमीटर्स का एंड इसका सर्विस इंटरवल है 7,000 आई थिंक या 8,000। सो ऑन द सर्विस इंटरवल फ्रंट GS स्कोर्स मोर क्योंकि 10,000 किलोमीटर्स काफ़ी ज़्यादा होता है एंड मेरे को अब तक मैं 4 सर्विस करा चुका हूँ, कभी भी 10,000 किलोमीटर्स के पहले सर्विस की नीड है ऐसा नहीं लगा। एंड बहुत सारे लोग हार्डली साल में 10,000 किलोमीटर चलाते हैं तो उनको साल में एक बार सर्विस सेंटर जाना है सर्विसिंग कराने के लिए। वो सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, GS की जो सर्विस कॉस्ट दैट इज अराउंड 5,400 किलोमीटर्स और KTM 390 एडवेंचर की जो अगर आप सर्विस कॉस्ट की बात करो तो दैट इज अराउंड 2,000 रुपीज़ पर सर्विस, क्योंकि पहली शायद 5 या 6 सर्विस 2 साल के लिए लेबर चार्ज नहीं है, 2 साल या 3 साल जो भी है, पर पहली कुछ सर्विस पर लेबर चार्ज नहीं है एंड लेबर चार्ज मिला के भी इट इज गोइंग टू कम अराउंड 2,500 टू 3,000 किलोमीटर्स। तो सर्विस इंटरवल में GS स्कोर्स मोर एंड सर्विस कॉस्ट में KTM 390 एडवेंचर इज वेरी चीप टू मेंटेन। सो दैट वॉज माई ऑनेस्ट फीडबैक ऑफ राइडिंग KTM 390 एडवेंचर फॉर 300 किलोमीटर्स आफ्टर राइडिंग GS फॉर 40,000 किलोमीटर्स। तो अगर आप लोग को GS पर मैंने जितने एडवेंचर्स किए हैं वो वाले वीडियोस देखने हो तो जाके चैनल पे उमलिंगला, नॉर्थ ईस्ट, लद्दाख, बैंगलोर टू लखनऊ ये सारी सीरीज आप देख सकते हो। आई हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ प्लेसेस ऑन GS। कमिंग टू दिस वीडियो, लेट्स एंड इट ओवर हियर। KTM और GS की लड़ाई मत करना कमेंट्स में, डू लेट मी नो हाउ वाज द वीडियो एंड इफ आई मिस एनीथिंग डू लेट मी नो इन कमेंट्स। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, इफ यू डिड डू लाइक इट, कमेंट्स में बताना कैसा लगा एंड KTM और GS फैन ग्रुप्स में शेयर जरूर करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन द रोड अहेड इज लॉन्ग एंड दैट्स वेयर यू बिलोंग। कीप राइडिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन।